इंश्योरेंस एडवाइजर के पास कॉल आती होगी और कस्टमर बोलते होंगे कि भाई मेरी पॉलिसी तो मैच्योर होने वाली है लेकिन मेरा पॉलिसी बॉन्ड मिस हो गया है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के पास ऐसे भी सवाल आते होंगे कि भाई मैंने अपना ट्रांसफर ले लिया है कंपनी से लेकिन घर शिफ्ट करते समय मेरा पॉलिसी बॉन्ड मिस हो गया है। कोई बोलता होगा कि मेरी पॉलिसी चोरी हो गई है। अब वो सारी टेंशन आपकी खत्म होने वाली है, इंश्योरेंस एडवाइजर की टेंशन भी खत्म होने वाली है कि जाके कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड डिलीवर करें या फिर प्रीमियम रिसीट डिलीवर करें, वो टेंशन इंश्योरेंस एडवाइजर की भी खत्म होने वाली है और कस्टमर की भी खत्म होने वाली है कि भाई मेरा पॉलिसी बॉन्ड मिस हो गया है। तो आज की ये वीडियो में आप समझने वाले हैं कि IRDA ने एक नया नियम निकाला है 1 अप्रैल 2024 से, वो है ई इंश्योरेंस। क्या है ई इंश्योरेंस, क्यों जरूरी है ई इंश्योरेंस, ई इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं और ई इंश्योरेंस के नुकसान क्या हैं, कहां से ई इंश्योरेंस को ओपन किया जा सकता है, ये सब आप समझने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IRDA दिन पर दिन कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस लेकर आ रहा है। ये चेंजेस जब मार्केट में आते हैं तो इंश्योरेंस एडवाइजर को समझने में कुछ वक्त लग जाता है। ऐसा ही एक चेंजेस आया है ई इंश्योरेंस। पहले हम बात करेंगे कि भाई ये ई इंश्योरेंस है क्या। देखिए, ई इंश्योरेंस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस। यानी कि अभी तक क्या था कि जब आप या आपका कस्टमर कोई भी पॉलिसी खरीदता था तो कस्टमर के पास बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड पॉलिसी बॉन्ड पहुंचता था। कैसे? हार्ड कॉपी, प्रिंट होकर हार्ड कॉपी उसके घर पर पहुंचती थी प्रिंट होकर, राइट? लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती थी, आप अगर कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, आपके बैग में आपका पॉलिसी बॉन्ड रखा है, आपके बैग में से सामान निकालते हुए आपका पॉलिसी बॉन्ड मिस हो गया, ये दिक्कत आती थी। दूसरा, आपने घर शिफ्ट किया, आपका ट्रांसफर हुआ, आपने घर शिफ्ट किया या आप रेंट पर रहते हैं तब आप घर शिफ्ट करते हैं, तो आपने अपना पॉलिसी बॉन्ड कहीं पर रखा, आप भूल गए, आपको आपका पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला, आपका पॉलिसी बॉन्ड चोरी हो गया, तो ये सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन ये ई इंश्योरेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस में कस्टमर को ये दिक्कत नहीं आएगी कि उसके डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए हैं। यानी कि आपको आपका पॉलिसी बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपका पॉलिसी मिलेगा। इसमें वो सब टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेरा पॉलिसी बॉन्ड खो गया है, चोरी हो गया है, मिस हो गया है, राइट? अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस को और डिटेल में समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस किस तरीके से काम करेगा। देखिए, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस का मतलब है कि आपको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, जिस तरीके से डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि आप मल्टीपल कंपनीज की, आपके पास कितनी सारी कंपनियों के आप शेयर खरीदते हैं, तो चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, SDFC का हो, ICICI का हो, किसी भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में शो होता है, वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा। जब आप खरीदते हैं तो भी डीमैट अकाउंट के थ्रू और जब बेचेंगे तो भी डीमैट अकाउंट के थ्रू, राइट? तो शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना होता है। इसी तरीके से दोस्तों, ई इंश्योरेंस यानी कि पॉलिसी खरीदने के लिए आपको ई इंश्योरेंस का अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने देखा एम परिवहन का मतलब क्या है? ये एक ऐप है, यानी कि यहां पर आप अपने
जो व्हीकल हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। चाहे आपका इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी स्टेट से हो, तो अगर आपने एम परिवहन ऐप डाउनलोड की हुई है तो आप अपना पॉल्यूशन भी देख सकते हैं, पॉल्यूशन कि आपका पॉल्यूशन कब एक्सपायर हो रहा है। आप अपना इंश्योरेंस भी देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कब तक वैलिड है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी देख सकते हैं एम परिवहन के अंडर में। तीसरा होता है दोस्तों डिजी लॉकर। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में भी क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपकी गैस की कॉपी हो, आपके स्कूल सर्टिफिकेट हो, वो सारे आप डिजी लॉकर के अंडर में देख सकते हो, राइट। आपको अलग अलग हार्ड कॉपी रखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर जाइए और यहां से प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ई इंश्योरेंस भी काम करेगा कि आपको शेयर खरीदने के लिए जिस तरीके से डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने के लिए आपको ई इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है कि भाई ये ई इंश्योरेंस हम कैसे ओपन करा सकते हैं। इसको ओपन कराने के दो तरीके हैं, तरीका नंबर वन और तरीका नंबर टू। सबसे पहले मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर की हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, यानी कि आप अभी काम कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस में, क्या आपने लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस का कोड भी लिया हुआ है। अगर नहीं लिया है तो भी मुझे कमेंट करिएगा, और अगर लिया हुआ है तो भी कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देनी है वीडियो के लास्ट में। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, यानी कि ई इंश्योरेंस को आप किस तरीके से ओपन करा सकते हैं। पहला, जब भी आप कोई न्यू पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी समय पर आप अपने एजेंट को बोल सकते हैं कि भाई मेरा ई इंश्योरेंस ओपन कर दीजिए, या वो खुद ही आपका ई इंश्योरेंस ओपन करेगा, क्योंकि बिना ई इंश्योरेंस के नई पॉलिसी होगी नहीं। इसके लिए पहले आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेगा और आपका ई इंश्योरेंस ओपन कर देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप चार इंश्योरेंस रिपोजिटरी, की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ई इंश्योरेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये चार इंश्योरेंस रिपोजिटरी कौन कौन सी है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप उनकी डायरेक्टली वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाकर वहां से आप ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नंबर वन, CAMS इंश्योरेंस रिपोजिटरी, राइट। दूसरा, NSDL की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, राइट, NSDL डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड। तीसरा, कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी। राइट, और चौथा है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया। राइट, तो या तो आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को बोल दीजिए, इंश्योरेंस एडवाइजर आपका केवाईसी कंप्लीट करेगा और उसके बाद आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली ये जो चार इंश्योरेंस रिपोजिटरी हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट। अब बात आती है कि इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं आप तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले हम फायदा समझते हैं। फायदा नंबर एक है, पूरा रिकॉर्ड आपका एक ही जगह रहेगा। आपके पास 10 इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक LIC की,
एक टाटा की, एक मैक्स की, एक एचडीएफसी की, तो आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड एक ही जगह रहेगा, कहां पर, ई इंश्योरेंस अकाउंट में। दूसरा, कम पेपर वर्क होगा, यानी कि पेपर आपको ज्यादा नहीं रखने की जरूरत है, सिर्फ आपका अकाउंट आईडी पासवर्ड होगा उसमें आप देख सकते हैं। तीसरा, एक ही जगह पर अगर आपको, आपके पास 10 पॉलिसी है, मान के चलते हैं आपके पास 10 पॉलिसी है, अभी आप दिल्ली में रहते हैं, आपका ट्रांसफर हो गया पुणे में, आपको एड्रेस चेंज कराना है, तो 10 पॉलिसी अगर आपके पास चल रही है आज की डेट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी 10 कंपनियों में, जो भी कंपनी जिनका इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है, वहां पर जाकर आपको एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट है तो आपका एड्रेस यहां पर चेंज हो जाएगा, तो सभी आपकी पॉलिसीज में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, राइट। खोने की कोई टेंशन नहीं है कि मेरा पॉलिसी बॉन्ड खो गया है, मिस हो गया है, मैंने घर चेंज किया है, चोरी हो गया है, वो सारी टेंशन खत्म है, और एजेंट का जो टाइम है वो भी बचेगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो उसको अकाउंट ओपन होगा, उसका ई इंश्योरेंस अकाउंट, तो यहां पर कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एजेंट का समय भी बचेगा, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट को कस्टमर का एड्रेस भी चेंज कराने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, राइट। मोबाइल नंबर चेंज कराना है तो भी करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फिजिकली इंश्योरेंस एजेंट को जाना पड़ता है। तो ई इंश्योरेंस अकाउंट जब ओपन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर की टेंशन भी कम हो जाएगी। अब इसका नुकसान क्या है, देखिए नुकसान इसका यह है कि अगर किसी कस्टमर को अपना एड्रेस चेंज कराना है या अपना नॉमिनी चेंज कराना है, तो वो इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल करेगा कि भाई मेरे को अपना एड्रेस चेंज कराना है, आप घर पे आ जाइए और एड्रेस प्रूफ लेके चले जाइए। नॉमिनी चेंज कराना है तो भी उसको फोन करेगा नॉमिनी चेंज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं जहां पर इंश्योरेंस एडवाइजर को घर में एंट्री मिल रही है, जहां से उसको एक नया बीमा मिल सकता है, जहां से उसको एक नया बिजनेस मिल सकता है, एक बहाना है घर में जाने का कि एड्रेस चेंज कराना है, नॉमिनी चेंज कराना है, मोबाइल नंबर चेंज कराना है, कुछ ना कुछ अपडेट करना है पॉलिसी में, प्रीमियम मोड चेंज करना है, तो इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको जरूर बता के आएगा, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बता के आए, चाहे वो बच्चे के लिए कोई पॉलिसी बता के आए, चाहे वो कोई रिटायरमेंट प्लान बता के आए या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बता के आए, तो कहीं ना कहीं वहां से बीमा उठने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ई इंश्योरेंस आने से एजेंट को नुकसान ये होगा कि जो कहीं ना कहीं एजेंट को घर में एंट्री मिलती थी कुछ नया समझाने के लिए, वो नहीं मिल पाएगी, ये कहीं ना कहीं नुकसान होगा इंश्योरेंस एजेंट का। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भाई क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी चल रही है, नहीं चल रही है, तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी है तो मेरा सुझाव है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को कि आप जब कस्टमर के पास जाएं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए, उसके साथ साथ एक कॉम्बिनेशन प्लान जरूर बनाएं लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का, ताकि कस्टमर को समझ आए कि भाई लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ मेरा परिवार का हेल्थ भी कवर होगी, यानी कि अगर वो बीमार हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, और यहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी बिकने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है इंश्योरेंस एजेंट के लिए कि इंश्योरेंस एजेंट को कस्टमर नहीं मिलते हैं। अब वो सारी टेंशन भी इंश्योरेंस एजेंट की दूर होने वाली है, क्योंकि मैंने लॉन्च किया है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर नहीं मिल रहे थे, फेस टू फेस घर घर जाकर पॉलिसी बेच बेच के आप थक चुके हो, लोगों से बात करके थक चुके हो, अब आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से घर बैठे बैठे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, उन लोगों के पास पहुंच सकते हो जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। कहां पर जाना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको यहां पर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT अमित TYAGI अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्स पर जाकर क्लिक करके हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए,
जल्दी से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स का फायदा उठाइए। मेरी शुभकामनाएं सभी इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा और उस वीडियो के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।